हाय गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गैली मतलब किचन डिपार्टमेंट की हायरार्की के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम ऑनबोर्ड अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्रूजशिप ज्वाइन करने वाले हैं। सो ये बेसिक लेवल होता है, ठीक है। वहां से मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए इसे मैं 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स मी सुनील, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ सेलर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो टेबल है वो गैली के हायरार्की का है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टिल डाउन, ठीक है। सो हम लोग नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो आता है वो है गैली यूटिलिटी। सो जैसे कि आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया होगा, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि सबसे टफेस्ट जॉब जो रहता है वो ये लोग का रहता है, एंड दे आर मोर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि इनको सबसे टफेस्ट जॉब क्यों बोला जाता है। तो जैसे कि गैली डिपार्टमेंट के लोग, उनका जो स्केड्यूल रहता है दैट इज इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सो वो लोग को ब्रेक शिफ्ट रहता है, ओपनिंग रहता है, क्लोजिंग रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका एक स्टेशन रहता है जिसे कहा जाता है डिशवॉश एरिया और पॉट एरिया। सो डिशवॉश एरिया में जो सर्विस के लोग रहते हैं वो अपने ग्लासेस, सर्विस किट, अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉकरी, कटलरी, ये सब वहां पे डंप करते हैं, विच दे हैव टू क्लीन इट एंड स्टैग इट प्रॉपरली। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गैली के लोग रहते हैं जैसे कि शेफ, कुक, ये लोग जो है वो पॉट में अपना सामान डालते हैं, उस मतलब पैंस हो गए जिसके ऊपर वो खाना बनाते हैं, वो सब चीजें वो वहां पे डंप करते हैं, विच दे हैव टू क्लीन इट एंड स्टैग इट प्रॉपर। तो गैली यूटिलिटी का बंदा रहता है, उसे अपना एरिया जैसे कि डिशवॉश एरिया हमेशा क्लीन रखना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि गैली क्लीनिंग में भी, जैसे कि मतलब शेफ्स जो अपना एरिया क्लीन करे, गैली का जो पूरा एरिया है वो क्लीन करने में भी उन्हें हेल्प करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो हमेशा जहां पे खड़े रहकर काम करते हैं दैट इज अ मोर हीट एरिया, मतलब बहुत गर्मी रहती है वहां पे, बिकॉज जो डिशवॉश का जो मशीन रहता है उसमें हमेशा गर्म पानी रहता है, ठीक है, दैट इज अबाउ 100 सेल्सियस, ठीक है। सो उसकी वजह से वो बहुत हीट छोड़ते रहता है, ठीक है। सो उसमें उनको काम करना रहता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टफेस्ट जॉब इट इज। सो जब आप बेसिक लेवल पे अप्लाई करते हो तो आपको ये पोजीशन ऑफर की जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका भी कार्गो रहता है, ठीक है। बेसिकली आपको ऑनबोर्ड कुछ भी केमिकल का रिक्वायरमेंट है सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम, जैसे कि क्लोरीन हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, हैंड वॉश सॉल्यूशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजों के लिए आपको गैली यूटिलिटी से ही बात करनी होती है। तो उसके बाद आते हैं असिस्टेंट कुक, ठीक है। उनका मेजर काम रहता है कि दे हैव टू असिस्ट टू ऑल द शेफ्स फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। सो गैली में भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं जिसके बारे में हम लोग अगले ब्लॉग्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो किसी भी डिपार्टमेंट में उन्हें डाला जा सकता है। उनके बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताना चाहूंगा कि उनको सभी डिपार्टमेंट का बेसिक नॉलेज तो आना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दे आर मोर इन्वॉल्व इन टू अ कार्गो एंड द क्लीनिंग, ठीक है। कार्गो मतलब स्टोर, ठीक है। सो उनको स्टोर पिकअप करना है, उसे अरेंज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, किचन में सब जगह चीजें मेंटेन करनी है प्रॉपरली, ठीक है। दे आर मोर इन्वॉल्व इन टू अ क्लीनिंग एज वेल, क्योंकि वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं सू शेफ से या फिर एग्जीक्यूटिव शेफ से, ठीक है। उनके हिसाब से उन्हें क्लीनिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। ये रही सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टू पोजिशंस विच इज अ बार यूटिलिटी एंड असिस्टेंट कुक। आई नो मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस लेट मी नो इन अ कमेंट, ठीक है। सो आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। आज का वीडियो एकदम छोटा सा रखा है मैंने, क्योंकि बिकॉज इसके बारे में और 2-4 वीडियोस बनने वाली है, ठीक है। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर होटल, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कीप ट्यूनिंग वर्ल्ड ऑफ सेलर्स।